पांडे हैं और मेरी पत्नी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 10 से सभासद की प्रत्याशी हैं, क्योंकि महिला सीट है ये और महिलाओं को काफ़ी सम्मान मिले, इसलिए मैं सरकार और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो है महिला को आगे उन्होंने किया है। और हमारे वार्ड का सबसे प्रमुख जो है परेशानी ये है कि सारी नाली जाम हो जाती है और उसके बाद से सबसे प्रमुख दिक्कत ये है कि जो जर्जर बांस और बल्ली के सहारे विद्युत का व्यवस्था हो रही है, जिससे आए दिन बच्चों को खतरा है, पोल जो है गिर रहा है, अगर कोई भी मतलब बच्चा उसको स्पर्श कर ले तो मौत के कागार पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है, पोल की व्यवस्था नहीं है। हमारे पूर्व में जो भी सभासद रहे हैं उनके तथाकथित लोग भी सभासद रहे हैं, केवल वोट मांगने के लिए आए और उसके बाद से आज तक नज़र नहीं आए। किसी के वहाँ शादी विवाह पड़ती है तो कभी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं, उनके अगल बगल ही झाड़ू लगते हैं, बकिया किसी वार्ड से कोई उनका मतलब नहीं, सरोकार नहीं रहता है। बीच की बात यह है कि हम बीच में निरंतर जो है जनता के सेवा में रहते हैं और कभी किसी व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति को अपने मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल पहुँचाने का मैं काम करता हूँ। लोग बड़े बड़े यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं दावा कर रहे हैं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, कभी किसी के मजबूरी में आए नहीं। केवल चुनाव है 10 दिन का, आते हैं अपना हैंडबिल देते हैं और कहते हैं कि आप हमको 12 बजे रात को फ़ोन करिएगा, हम आपके लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद उनका शकल कोई नहीं देखता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे इस वार्ड में सबसे दिक्कत ये है कि बहन बेटियों की शादी होती है, हमारे वार्ड में बारात घर नहीं है, जबकि बंजर जमीन काफ़ी जो है हमारे वार्ड में है, लेकिन किन्हीं जनप्रतिनिधियों ने अपना प्रस्ताव ये नहीं भेजा है कि हमारे वार्ड में एक बारात घर बन जाए, जिसे लड़की की शादी हो तो बारात आए तो हम मैरिज हाउस का पैसा जो है हमारा बच जाए। एक तो जो है जिसके घर शादी होती है वो काफ़ी परेशान होता है, ज़मीन काफ़ी नगर पालिका की पड़ी हुई है, केवल एक प्रस्ताव देना है कि मुझे बारात घर चाहिए, ताकि काफ़ी गरीब जनता की जिसकी बहन बेटी की शादी हो जाए 40 से 50 हज़ार रुपया मैरिज हाउस का बच जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए यदि अगर जनता हमको चुनती है तो पहला मेरा प्रस्ताव रहेगा इस मोहल्ले में बारात घर के लिए, दूसरा प्रस्ताव रहेगा बगल में आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, इस ट्रांसफार्मर को अगर कोई रात बिरात गाड़ी आए लाइट न रहे तो तत्काल इस ट्रांसफार्मर में लड़ेगा, सारा परिवार स्वाहा हो जाएगा। पहले तो मैं ये मांग करता हूँ कि यहाँ से ट्रांसफार्मर हटे और जो टाली पर जर्जर व्यवस्था में खड़ी ट्रांसफार्मर है ये भी हटें, इसकी एक व्यवस्थित जगह हो, इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ। और सबसे प्रमुख व्यवस्था यहाँ की खराब थी कि जब मदिरा की दुकान, तीन तीन दुकान आपके मोहल्ले में थी, बहू बेटी आ रही थी उनके साथ छेड़खानी होता, अकेले मैं उस मदिरा को दुकान जनता के सहयोग से अपने सहयोग से लेकर के मैं हटवाया, उस समय कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, यहाँ तक कि मदिरा के दुकान स्वामियों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपया घूस लेकर के उसको संचालित करने का काम करते थे। उस समय हमने उसका विरोध किया और सबने विरोध किया, जो भी नगर के लोग हैं मतलब हमारे मकान के साइड से सबने विरोध किया और तब जाकर के वो मदिरा की दुकान हटी। और यही जनप्रतिनिधि जो आज चुनाव में खड़े हैं उन्होंने उनसे घूस लेकर के मदिरा का दुकान जबरदस्ती रखवाया, ये काम मैं निरंतर 10 वर्षों से जो है जनता की सेवा में लगा।